Boys and girls, so this is CA Mohit Agarwal here, and yes, your foundation exams are over now. So what to do now? Because the foundation exams are over, it's just a stepping stone and not the ultimate stone. We all know, okay, it's not a great achievement to appear for the foundation exam, but yes, light to feel hota hai bhaiya, chahe koi bhi professional exam to hai, wo khatam ho. So ab main aapko ye bata dun ki ab aapko kya karna chahiye. Dekho, last 6 months or maybe perhaps 1 year. For those who didn't appear in May 20 because there were no exams, there was a milestone, foundation exam. Your entire energy, you focus towards it. Okay, so na chahte hue bhi, bhale hi aapko aisa nahi lag raha hoga, but na chahte hue bhi, this exam must have taken toll on your body, your mental health. Okay, so to rejuvenate, aapko kya karna chahiye? Kuch nahi sochna chahiye. Hoon na bhai aapke liye. इंटर का पूरा प्लानिंग आपको करके दूंगा और एकदम बेस्ट एडवाइस दूंगा कि आप इंटर कैसे क्रैक कर सकते हैं. बट अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, आपको एक हफ्ता का मैं टाइम दे रहा हूं रिजुविनेट होकर के. अभी मैं कुछ भी बोलूंगा वो समझ में नहीं आएगा. इट विल बी अ साउंड टू यू, ओके, एंड आफ्टर वन वीक इट विल बी अ म्यूजिक टू यू. सो प्लीज एक हफ्ता इंटर के बारे में मत सोचो. एक हफ्ता के बाद एक हफ्ता का गैप दो ताकि वो फाउंडेशन वाला एनर्जी निकल जाए, और एक हफ्ता के बाद सिर्फ और सिर्फ इंटर के बारे में ही अपने सोचेंगे, ठीक है. बट फॉर वन वीक रिजुविनेट योरसेल्फ. तो एक हफ्ता में क्या करना चाहिए आपको? एक हफ्ता में आपको ये करना चाहिए. सर आपका एक्सेल का वो वाला कोर्स हम लोग ले लें क्या? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी राइट नाउ आपको आप फाउंडेशन लेवल पर हो, ठीक है. अगर आप ऑफिस जाना चालू कर दी हो, फैमिली ऑफिस वगैरह, तब तो ले लो. लेकिन अभी आपको एक्सेल का कोर्स दरकार नहीं है. इंटर का आप एग्जाम दो, उसके बाद आप एक्सेल का कोर्स लेना, ठीक है. और अभी आपको वाला कोर्स लेने का बिल्कुल दरकार नहीं है. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ भी जो है बकवास करके जो है कुछ भी चले जाए, ठीक है, प्रॉफिट्स के लिए. आप अगर मेरे से पढ़े हैं या आप मेरे से एसोसिएटेड हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मेरे को, हम लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि रेवेन्यू से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वॉट मैटर्स इज सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी पर्सनली. तो अभी आपको एक्सेल का कोर्स जो है वो नहीं बाई करना चाहिए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को, अनलेस आप जॉब वगैरह में हैं. वो किसको बाई करना चाहिए? वो आप इंटर का एग्जाम्स के बाद अगर देखें तो जितना बढ़िया रहता है, ठीक है. और तो सर एक हफ्ता क्या करें? मैंने आपको बताया ना, बहुत आपने जो है खटनी किया है, बहुत आपने जो है मेंटल हेल्थ के साथ आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, और अभी आपको एक हफ्ता क्या करना चाहिए? इंटर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वही नेगेटिव एनर्जी, वही थकेला वाला एनर्जी जो है आप इंटर में लेकर आएंगे. एक हफ्ता इंटर के बारे में नहीं सोचना है, आपको खाली रिजुविनेट करना है. आप अपने फ्रेंड से बात करो, फैमिली रिलेटिव से बात करो, 7 days जस्ट अपना जो है वो जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जियो. ज्यादा सोना है ज्यादा सो, खेलने जाते हो क्रिकेट तो खेलने जाओ भाई, क्रिकेट, फुटबॉल, व्हाटएवर, बैडमिंटन. पिकनिक पर जाना चाहते हो अगर पिकनिक पर जाओ, बिल्कुल कोरोना खत्म नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशंस मेंटेन करते हुए, ठीक है. और सारे फ्रेंड रिलेटिव लोग से बात करो, अच्छा खाना खाओ, अगर आप कुछ अच्छा योगा वगैरह करते हैं वो सब चालू करो, हेल्दी रखो बॉडी को. एक हफ्ता का टाइम दे रहा हूँ, रिजुविनेट होकर के आओ, और एक हफ्ता बाद जो है मैं आपके लिए पूरा का पूरा जो है मास्टर प्लान लेकर के रहूंगा, ठीक है. तो जस्ट जो है चैनल को फॉलो करते रहो, मेरा एडवाइस और मेरा ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहेगा. लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, डू एंजॉय दिस वन वीक. एक हफ्ता बाद मैं रिपोर्ट लूंगा क्या क्या किए. एक हफ्ता के बाद मेरे को रिपोर्ट देना, हाँ, लाइव आऊंगा मैं एक हफ्ता बाद और आपसे रिपोर्ट लूंगा कि आपने फाउंडेशन के एग्जाम्स के बाद क्या किया वो एक हफ्ता में, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था. मतलब इस बार ऐश करने का होमवर्क है. चलो, टेक केयर, बाय बाय.